आलू पालक की सब्जी आज हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे जैसे हम लोग पालक पनीर की सब्जी बनाते हैं। तो यहाँ मैंने आधा किलो पालक लिया है, इसमें मैंने एक प्याज को और दो हरी मिर्च को डाल दिया है, प्याज को रफली काट कर डाला है। आधा कप पानी डाल देते हैं और इसे ढक कर एक उबाल आने तक पकाना है। पालक को हम बहुत ज्यादा बॉयल नहीं करेंगे, नहीं तो पालक काला हो जाएगा। तो लगभग 5 से 6 मिनट लगा है और यहाँ पालक में उबाल आ चुका है और यहाँ जो पालक है इसे हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इसे पीस लेंगे, पानी का यूज नहीं करना है। तो अब मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है, आप रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसके बाद इसमें एक बड़ा चम्मच डाल रहे हैं पचफोरन। ये 5 मसालों का, खड़े मसालों का मिश्रण होता है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और इसके बाद आज हम आलू का यूज कर रहे हैं क्योंकि पनीर का यूज नहीं करेंगे। आप चाहें तो उसकी जगह पनीर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू को डाला है, आप कच्चे आलू का यूज कर सकते हैं। अगर आप कच्चे आलू यूज कर रहे हैं तो आपको आलू को अच्छे से पकाना होगा। तो यहाँ जो उबला हुआ आलू है इसे मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, मैंने कूट कर डाला है 1 बड़ा चम्मच। इसी के साथ इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। दोनों चीजों को बहुत ही अच्छे से मिला लेते हैं और इसके बाद हमें पालक डालना है जिसे मैंने एकदम पीस लिया है, बारीक पीस लिया है। ठंडा करके पीसिएगा जिससे आराम से पिस जाएगा। तो यहाँ मैं पालक डाल देती हूँ, मैंने यहाँ आधा किलो पालक का यूज किया है और इसमें हरी मिर्च भी है, साथ में प्याज भी है। इसी के साथ इसमें हम आधा चम्मच हींग डालेंगे, हींग से बहुत ही बढ़िया ये सब्जी बनती है, तो इस बार आप हींग का यूज जरूर करें। और इसके बाद हमें बीच बीच में चलाते रहना है और इसे तब तक भुनना है यानी पकाना है जब तक तेल अलग ना हो जाए। और अभी हम लोग कोई भी मसाले का यूज नहीं करेंगे। बीच बीच में चलाते हुए इसे मैंने अच्छे से भून लिया है और तेल अलग होना शुरू हो गया है, थोड़ा सा इसे और भुनेंगे। तो अब इसमें हम कुछ मसाले डाल रहे हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार, मैंने 1 चम्मच डाला है, और 1 चम्मच गरम मसाला डाल रहे हैं। इसे आप तभी डालिएगा जब मसाले यानी जो पालक है वो अच्छे से भुन जाए। तो मैंने इसे 1 मिनट और भुन लिया है, अब इसमें हम पानी डाल रहे हैं। तो पानी आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, जितनी आपको ग्रेवी रखनी हो। यहाँ मैं 1.5 कप के करीब इसमें पानी डाल रही हूँ और इसके बाद एक बार फिर से इसे ढककर पकाना होगा। लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक इसमें 1 से 2 उबाल ना आ जाए। आलू अच्छे से पक चुका है तो बहुत ज्यादा पकाना नहीं है। मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, अब हम तड़का बना रहे हैं। 2 बड़े चम्मच देसी घी लिया है, 2 लाल मिर्च डाला है, अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, अब इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे और थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने बंद रखा है और लाल मिर्च डाल दिया है थोड़ा सा। तड़का बिल्कुल तैयार हो चुका है, फटाफट इसे हम लोग डाल देते हैं पालक वाली ग्रेवी में और तुरंत इसे ढक देंगे। लगभग 10 मिनट हो चुका है और यहाँ जो आलू पालक की ग्रेवी वाली सब्जी है ये बनकर बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो आलू की जगह पनीर का यूज कर सकते हैं या कॉर्न का भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपको कॉर्न वाली रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ जो सब्जी है बनकर बिल्कुल तैयार है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है। इसे फटाफट ट्राई करें, कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह नई नई रेसिपी लेकर आते रहते हैं। तो एक बार फिर से मिलते हैं ऐसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक लिए थैंक यू एंड टेक केयर।